ਅੱਜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। आजाद टीवी न्यूज के लिए भवानीगढ़ तो लवली कौशल की रिपोर्ट। सर मैं आरबीएफ की रीएम हूँ, मुझे 2 साल हो गए सर्विस च। आज की अपने 1 दिन की हड़ताल है जिदा कि साड़ी यूनियन वालों कही गई है। सर ये हड़ताल अगे भी जारी हो सकती है जे पंजाब सरकार ने साड़ी मंगा नहीं मनी है। असं सड़क पर भी उतर सकते हैं, एक एज ए टीम बन के असं सरकार को यह दसना चाहते हैं कि कच्चे मुलाजिम तुसी पक्के करो, क्योंकि कोरोना का सारा काम साड़े NHM स्टाफ ही कर रहा है, चाहे वह सैंपलिंग का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो। पिछली बार इन्होंने सानू 18% इंक्रीमेंट का कह के जो कि 12% ही लाया से, क्योंकि 6% सानू हर साल वैसे भी लगता ही है। हूँ आप सरकार को यह दिखाना है कि असी अपने हकों लिए हम खड़े हुए हैं। किसानों का संघर्ष भी बहुत लंबा चल रहा है। सर बहुत टाइम हो गया सानू, मैनू तो सर इतने 2 साल ही हो सर्विस हूँ, लेकिन साड़े मुलाजम जो पुराने ने 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 8 साल हो गए। ये साड़ी अज की लड़ाई नहीं है, बहुत पहल की लड़ाई है, पर इस बार तो सरकार की अति हो गई हुई है, क्योंकि हर काम से सानू अगे कर देंगे है, तो जो कोई मंगा तो देन का वादा आता है तो मना कर देंगे है। असं अपनी यूनियन का पूरा पूरा साथ देना हूँ। सर अज का असं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि असी जी हैगी इतने सिर्फ कच्चे कामों की तरह काम कर रहे हैं, तो सरकार बहुत सालों तो मेरा 7वां साल है सर्विस के, बट साढ़े तो पहलों के बहुत सारे एम ए के मुलाजम ने जोड़े NRHM के अधीन 15-15 साल तो काम कर रहे हैं, पर उन्होंने जी तनखा है वो बिल्कुल ही ना मात्र मिल रही है, प्राइवेट सैक्टर तो भी घट मिल रही है। तो असं सरकार हमेशा यही मंग करते हैं जो भी साड़ी स्ट्राइक होंगी है कि साड़ी सर्विस रेगूलर की जाए, क्योंकि पंजाब सरकार जो भी कोई रिक्रूटमेंट करती है वो भी 3 साल का प्रोवेशन होंगे, पर इतने एवें के भी लोग ने जोड़े 15-15 साल काम कर चुके हैं, तो जो उन्हों का देखिए तो आप भी 10 वारी प्रोवेशन क्लीयर हो चुके हैं, पर हाले तक किसी को भी रेगूलर पे स्केल नहीं मिले। असी गवर्नमेंट यही गुजारिश करते हैं भी सानू रेगूलर पे स्केल दिता जाए, क्योंकि असं सारे बराबर क्वालीफाइड हाँ तो असं बराबर काम करते हैं। असी अजे फैसला लिया कि जदों तक सरकार सानू पक्के नहीं करूगी असी प्रोटेस्ट करांगे, क्योंकि असी लोकतंत्र देश दे वासी हां ते साडा हक है अपने हकां दे लई लड़ना। कोरोना वैक्सीनेशन चल रही है, की तुसी करोगे काम? जी असी हाले तां सरकार नू यही कहा कि असी 1 रोज़ दा हड़ताल ते हां, क्योंकि असी भी नहीं चाहते कि असी इह जे लाइक पेंडेमिक दे विच असी कोई एवें दा काम करिए जिहदे नाल साडी पब्लिक नू नुकसान होवे। पिछले साल भी हड़ताल की गई सी 1 दिन की, उदों सरकार ने सानू एक झूठा वादा किया कि असी तुहानू ना मात्र जां सानू इनक्रीमेंट दिता कि अगले साल तक पक्के करांगे। हुण असी सरकार नू उही कहिंदे आ वी 1 साल हो गया, हुण सानू दसो वी सानू कदों पक्के करोगे तुसी। अगली की रणनीति होणी असी दस्सी? अगली रणनीति साडी यूनियन तय करूगी जी, हाले असी अज दा दिन हड़ताल इस लई कर रहे हां ताकि सरकार दीआं थोड़ीआं अक्खां खुल्लण, उहनां नू पता लगे कि पिछले साल जिहड़ा सानू झूठा वादा किया गया सी उह असी भुल्ले नहीं आ। असी चाहुंदे आ कि सानू साडे हक दित्ते जाण, ते असी उहनां नू इह रिमाइंड कराउण लई अज दा दिन हड़ताल कीती है, ते असी चाहुंदे आ कि पब्लिक भी साडा किते ना किते साथ देवे। किसानी संघर्ष चल रहा है, वह भी देखो अपने हकों लिए लड़ रहे हैं, हर एक का अधिकार है अपने हक लिए लड़ना लोकतंत्र दे विच, ते असी उहदे लिए लड़ रहे हैं, ते असी कदे नहीं चाहवांगे कि असी पब्लिक का कोई नुकसान करिए। 1 दिन की हड़ताल तो बाद असी काम करांगे जिवें असी सर्विस प्रोवाइड की है। NRHM के योध्या ने बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की है कोविड के, असी अगे भी करांगे, पर हाले असी यूनियन के अकॉर्डिंग चलांगे। अगर सानू अगे कदे हड़ताल करनी पई तां असी जरूर करांगे, जे सरकार साडीआं मंगां पूरीआं नहीं करूगी तां।